Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं अरुण सर बीएल मेरी स्कूल से। हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पिछली कक्षा में फर्स्ट लेसन पढ़े थे क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे क्रॉप प्लांट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कृषि प्रक्रिया है, कैसे कृषि की जाती है खेतों में। पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में पहला टॉपिक हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। जब किसान खेती पे करने जाता है पहले मिट्टी को तैयार करता है कि मिट्टी खेती करने लायक है कि नहीं। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल तीन तरीके से की जाती है। पहला है फ्लॉपिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। फ्लॉपिंग द प्रोसेस ऑफ सॉइल इज कटिंग फ्रॉम साइड टू बाय ट्रैक्टर या बुलकार्ट आयरन वुड्स इज कॉल्ड फ्लॉपिंग। जब मिट्टी को कोरते हैं आयरन मशीन आयरन से या ट्रैक्टर के से, तो उसी प्रक्रिया को फ्लॉपिंग कहते हैं। दूसरा नंबर आता है लेवलिंग। दूसरे खेत की जुताई करने के बाद मिट्टी को लेवल किया जाता है, बराबर किया जाता है। द फ्लॉपिंग लैंड इज लेवलिंग प्रोसेस लाइकली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। खेत की जुताई करने के बाद उसको लकड़ी के भारी टुकड़े से या लोहे के बड़े टुकड़े से क्या किया जाता है, मिट्टी को बराबर किया जाता है। तीसरी प्रोसेस है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग होता है खाद उर्वरक। मिक्सिंग सॉइल विद मिक्सचर ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। जब मिट्टी में खाद को मिलाया जाता है उस प्रक्रिया को मैन्योरिंग कहते हैं। इतना करने के बाद किसान सीड का सिलेक्शन करता है कि कौन सा बीज बोया जाएगा खेत में। इसके लिए आफ्टर द फील्ड प्रिपरेशन सीड्स सिलेक्शन वाइल सिलेक्टिंग सीड्स फॉलोइंग सजेशन शुड बी कार्ड इन माइंड। कौन सा फसल करना इसके लिए पहले बीज का सिलेक्शन किया जाता है और ध्यान को केंद्रित करते हैं कि कौन से खेत में बीज बोना है। खेत में बीज बोने के बाद दो प्रक्रियाएं होती हैं, या तो उसको हम अपने हाथ से फसल को बीज को बोए या तो सीड ड्रिल से, तब बीज बोने वाले मशीन की सहायता से। उसकी मशीन एक और टॉपिक आता है ट्रांसप्लांटेशन, पौधों का स्थानांतरण। कुछ ऐसे फसल होते हैं जो डायरेक्टली खेतों में नहीं बोए जाते हैं, उनके सीड खेतों बोने के बाद जब चार पांच पत्ते बाहर निकल आते हैं तो उन्हें मेन प्रॉपर फील्ड में ले जाके बोया जाता है। जैसे क्रॉप सच एज राइस, जैसे धान की खेती की जाती है, धान डायरेक्ट खेत में नहीं बोए जाते हैं, पहले इसको खेतों में बोया तो फिर इसको ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। उखाड़ के उसके जब चार पत्ते बड़े बड़े निकल आते हैं तो उसको दूसरे खेत में ले जाकर क्या किया जाता है, रोपाई की जाती है, उसके बाद वो फसल तैयार की जाती है। इसी तरह से ओनियन की फसल की जाती है। अगर प्याज बोना है तो पहले क्या किया जाता है, प्याज को बीज को सीड को खेतों फेंक दिया जाता है। जब प्याज में दो चार पांच पत्ते बाहर निकल आते हैं तो फिर उसको क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है और ले जाकर उसे मेन फील्ड में बो दिया जाता है। इतना करने के बाद तीसरा आता है इरिगेशन, सिंचाई, यानी पौधे को पानी देना। सीड नीड्स वाटर, बीज को क्या चाहिए, पानी चाहिए। द फार्मर्स द गिव द वाटर इन टाइम प्रॉपर टाइम इंटरवल। किसान क्या करता है, बीज को टाइम टाइम पे पानी देता रहता है जिससे फसल तैयार होती है। और फसल तैयार होने के बाद आता है कि फसल का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। फसल की जैसे कुछ ऐसे कीड़े कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। इसके लिए किसान क्या करता है, फसल को बचाने के लिए दवाई का छिड़काव करता है जिससे फसल बच सके। इतना होने के बाद फसल जब तैयार होता है तब आता है हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मेजर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल की काटने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं और इकट्ठा करने की।
फसल काटने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और जो अपने खाने वाली चीज होती है जो अपने घर रखते हैं बाकी सब क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, या तो कोल्ड स्टोर में या तो स्टॉक फूड में। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, नाइट्रोजन साइकिल। तब तक के लिए थैंक यू।